चाय खाला जाए। क्या बात है खालाजान, जब से अम्मा की तरफ से आई है ऐसे ही चुप चुप है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। नहीं कोई तो बात है ना, आप बोलते खालाजान मुझे, कहते हैं आप भी, क्या मुझ पे शक कर रही है? मैंने ऐसे कब कहा है बेटा? क्योंकि खाला जब से आप आई हैं मुझसे ठीक से बात नहीं करी, वहाज ने भी मुंह बनाया हुआ, वो भी मुझसे बात नहीं करी, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप दोनों मामी के लगाए हुए इल्जाम पर यकीन कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। मैं तो बल्कि तुमसे पूछने वाली थी, वो तुम्हारी सहेली है ना नोशी, वो कब वापस जा रही है? इतवार को जा रही है, इतवार को। अच्छा, तो फिर तुम उसे घर बुलाओ ना दावत पे। तुम्हारी सहेली इतनी दूर जा रही है, फिर पता नहीं कब आना हो उसका। इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? सहेली है ना तुम्हारी, तुम्हें उसे घर बुलाना चाहिए खाने पे। क्यों बाज, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, जैसे आपको बेहतर लगे। तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है अगर इसकी सहेली अपने शौहर के साथ हमारे घर पे खाने पे आए? नहीं भला मुझे क्या एतराज होगा, बल्कि ये तो अच्छी बात है। फिर ठीक, तुम आज ही उसे कॉल करो और उसे दावतनामा दो। अच्छा है ना, वो घर आएगी, मैं भी मिलना चाहती हूँ उससे। जी चाय ठंडी हो रही है आपकी, आके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ।